सो इट इज़ डे 3 इन मलेशिया और हम लोग लंकावी में हैं। अगर आपने इससे पहले वाले व्लॉग्स नहीं देखे तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख डाल दूंगी, सो डू मेक श्योर टू चेक दोज आउट एज वेल। एंड आज की पहली अट्रैक्शन इज़ दिस फेमस महा टावर। ये जो टावर है ये लंकावी में अभी रिसेंट ओपनिंग की है। इसमें ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक तक जाते हैं और बताती हूँ क्या प्राइस है, कैसा व्यूज़ है एंड ऑल ऑफ दैट। सो लेट्स गो। महा टावर, ये जो टावर है ये लंकावी में रिसेंटली ओपन हुआ है एंड दिस टावर ओपन्स एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM टिल 7:30 PM। इसकी जो टिकट है वो है 78 मलेशियन रिंगिट पर पर्सन। और अगर आप ये टिकट परचेज करते हो तो आप दो तरीके से इस टावर से पैनोरामिक व्यूज एंजॉय कर सकते हो। सबसे पहला है जहाँ अभी हम हैं, विच इज़ दी ऑब्जर्वेशन डेक और जिसको स्काई डेक भी कहते हैं। वो तो क्लोज्ड है और यहाँ पे ऐसे ग्लास पैनलिंग हो रखी है जिस पे चलते हुए आप यहाँ पे एंडमैन सी का व्यू और पीछे बहुत ही खूबसूरत से लंकावी फॉरेस्ट माउंटेन्स का व्यू अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। पर इस 33rd फ्लोर पे विच इज़ दी स्काई डेक आप सिर्फ 20 मिनट स्पेंड कर सकते हो। और जो नीचे स्काई लाउंज है एट दी 18th फ्लोर, वहाँ पे एक 1-1.5 घंटे के आसपास रहिए और फोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह और खाना भी इंजॉय कर सकते हो। सनसेट के समय आते हो 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक के बीच में तो यहाँ की जो प्राइसेस है वो 90 रिंगिट्स पर पर्सन हो जाती है, क्योंकि हम श्योर कि सनसेट के टाइम पे यहाँ पे व्यू और भी ज़्यादा गॉर्जियस हो जाता है। डेस्टिनेशन लंकावी की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है विच इज़ द स्काई ब्रिज। सो बेसिकली हम लोग अभी लंकावी के ओरिएंटल विलेज पर आए हैं जहाँ से लंकावी की केबल कार यहाँ के टॉप स्टेशन से शुरू होती है जो कि ऊपर लेके जाती है माउंट माचिन चंगा, यहाँ की हाईएस्ट पीक है, वहाँ पे ऊपर लेके जाती है और वहाँ पे देयर इज एन एक्सेस टू स्काई ब्रिज, स्काई वॉक, स्काई डोम, स्काई रेक्स, इवन द ईगल्स नेस्ट। तो हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ये इसके पूरे एडवेंचर की जो टिकट्स है वो मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया था फ्रॉम द ऐप कॉल्ड एज हेड आउट, क्योंकि वहाँ पे मुझे सबसे अच्छी डील्स मिल रही थी। आप क्लोक, क्रिलोफीलिया, जो भी आपको जहाँ पे भी बेस्ट डील्स मिले आप ये सारी ऐप्स पे देख सकते हो। और जो मुझे इसकी टिकट पड़ी वो थी 4,900 रुपीज़ फॉर बोथ दी पर्सन, जिसके अंदर जो मेरी केबल कार है उसका ग्लास फ्लोर है, दूसरा मैंने एक्सप्रेस लेन बुक किया है और वापस से नीचे आते समय इंस्टेड ऑफ दी स्काई कैब मैंने स्काई ग्लाइड बुक किया है। सो फिंगर्स क्रॉस, आई होप इट इज़ गोइंग टू बी वन फन राइड। और ये जो केबल कार है ये लंकावी की सबसे हाईएस्ट, इनफैक्ट इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्टीपेस्ट केबल कार्स इन द एंटायर वर्ल्ड विद द ग्लास बॉटम। पीछे से पूरा का पूरा फॉरेस्ट और पूरा माउंटेन एरिया बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। एंड अभी हम ऊपर टॉप पे जाएंगे
वहां पे थोड़े से व्यूज एंजॉय करेंगे, फिर वहां से एक और केबल कार लेके सीधे स्काई ब्रिज पे जाएंगे। काफी सारी ईटरीज वगैरह भी है, तो आप यहाँ पे व्यू एंजॉय करते करते खाना भी खा सकते हो। जस्ट गॉट डन विद द ईगल्स नेस्ट स्काई वॉक। व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इट वाज। बट द ओनली प्रॉब्लम वाज कि वहाँ पे फोटोज और वीडियोज लेना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। इनफैक्ट आपको कुछ भी सामान अंदर नहीं लेके जाने देते। डेजिग्नेटेड लॉकर्स बनाए हुए वहाँ पे, आप अपना सामान रखो एंड ओनली देन यू कैन गो इन द ईगल्स नेस्ट। व्हाट अ वंडरफुल क्रिएशन। वो जो पूरा स्ट्रक्चर है इट इज 650 मीटर्स अबव द सी लेवल। पूरी फ्लोरिंग ग्लास की थी, इतने खूबसूरत व्यूज थे और उनके खुद के फोटोग्राफर्स थे। पर एक सिंगल पिक्चर का दे वर चार्जिंग 40 रिंगिट्स, तो हम तो वापस ऐसे ही आ गए। अमेजिंग व्यू आ रहा है एंड आई जस्ट कैन नॉट कंटेन माई एक्साइटमेंट टू बी ऑन दैट ग्लास ब्रिज। आई होप कि वहाँ पे तो एटलीस्ट फोटोज और वीडियोज लेना अलाउ हो। वहाँ पे जाने के लिए जो स्काई डोम जहाँ सबसे पहले गए थे वहीं से स्ट्रेट केबल कार चल रही है। इनफैक्ट आपको बहुत सारी केबल कार दिख रही होंगी ऑलरेडी वहाँ के ऊपर स्काई ब्रिज पे जाते हुए। सुपर एक्साइटेड, लेट्स गो। सो दैट इज द स्काई डोम जहाँ से स्काई ब्रिज के लिए केबल कार लेंगे। तो नीचे स्काई ब्रिज जाने के लिए हम लोग स्काई ग्लाइड से जाएंगे। सो बेसिकली एक क्लोज कंपार्टमेंट है, उसमें बैठ के और वो डायरेक्टली नीचे जाएगी स्काई ब्रिज के लिए। Sky Bridge. Oh my God, look at this beautiful view. ये जो ब्रिज है इट इज 750 मीटर्स अबव द स्काई लेवल एंड आई थिंक इट इज काइंड ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज ऑल्सो, क्योंकि जैसे यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और हवा चल रही है तो ये काफ़ी शेकी हो रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी हैं, सो मेक श्योर कि आप उनको बिल्कुल भी फीड नहीं करो, अदरवाइज वो आपके पीछे ही पड़ जाएंगे। बट वॉट एन अमेजिंग स्ट्रक्चर एंड वॉट एन अमेजिंग व्यू। बिल्कुल मेरे पीछे यू कैन सी दी सेवन वेल्स वाटरफॉल। ये लंकावी की काफ़ी पॉपुलर वाटरफॉल है, बट अभी हम लोग इतनी गर्मी में आए कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इन केस अगर आप मॉनसून के आसपास अगर लंकावी आते हैं तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे डेफिनेटली आए। और यहाँ के लोगों का ये बिलीफ है कि इस वाटरफॉल में फेरीज आती हैं और यहाँ पे भी देर इज़ अ ब्रिज जहाँ से आप खूबसूरत सा माउंटेन एंड द फॉरेस्ट व्यू इंजॉय कर सकते हैं। और ये बिल्कुल आपको नीचे जब आप स्काई ब्रिज आओगे तो इंस्टेड ऑफ द केबल कार आप नीचे स्टेयर्स के थ्रू ही, इसकी ट्रेल है 1 किलोमीटर की ट्रेल है और आप यहाँ पर आ सकते हो। सो दिस इज द 3D आर्ट लंकावी और ये भी हमारी टिकट प्राइस में इंक्लूडेड था। लेट्स सी इसमें अंदर जाके क्या क्या है। म्यूजियम काफ़ी अच्छा है। टिकट्स आप ऑलरेडी स्काई ब्रिज वगैरह के लिए खरीदते हो उनके साथ दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई। सो वी आर
एंडिंग आवर डे इन लंकावी बाय टेकिंग अ स्ट्रोल ऑन द चेनांग बीच. और मैंने सुना है कि 9 बजे के आसपास यहाँ पे फायरवर्क्स भी होते हैं. सो देखते हैं कि क्या होता है. तो ऐसा फायर शो मैंने मुन्नार में भी देखा था, कलारी पट्टू शो. वो इससे ज़्यादा बेटर था, 1000 times बेटर. और मैंने सुना था कि जो चेनांग बीच है वो लंकावी का सबसे ज़्यादा पॉपुलर बीच है. और यहाँ पे हर टाइम टूरिस्ट के साथ साथ लोकल्स भी होते हैं, पर यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा नहीं. काफ़ी खाली बीच था और बहुत ही कम क्राउड है. मे बी रमादान की वजह से ऐसा है, पर ज़्यादा हैपनिंग जगह तो मुझे ये रात में नहीं लगी.